मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के गेट पर बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल हुआ यूं कि एक पराठे के ढकेल लगाने वाले राहुल नाम के व्यक्ति, जो कि बस स्टैंड के गेट पर पराठे की ढकेल लगाता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन बस स्टैंड पर अफरा तफरी तब मच गई जब सिलेंडर लीकेज की वजह से सिलेंडर ने आग पकड़ ली और बड़ी विध्वंस चिंगारियां निकलने लगी और धीरे धीरे आग ने बड़ा एरिया कवर कर लिया। इस मामले को लेकर वहां के आम नागरिकों ने इस घटना के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब व्यावसायिक सिलेंडर दुकानदारों के द्वारा यूज नहीं किए जाएंगे तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि ढकेल संचालक ने कमर्शियल सिलेंडर ना लगाकर घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहा था। इस घटना को लेकर लोगों ने मथुरा जिले के जिला पूर्ति अधिकारी पर भी साठ गांठ के आरोप लगाए। ना तो उनके द्वारा कोई चेकिंग अभियान चलाया जाता है। गोवर्धन में बड़े बड़े गोदामों में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है, जिसमें एक बड़े मिष्ठान विक्रेता के गोदाम में इस तरह की घटनाएं रोज देखने को मिल जाती है, लेकिन मजाल है कोई अधिकारी उनके यहाँ सिलेंडरों की चेकिंग कर सके। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? क्या मामला हुआ है? अभी ढकेल में तेरे में आग लग रही है, क्या है? लाया था मैं वो सिलेंडर, एकदम मैंने लगाया और वो लीकेज था, बजाने की भी कोशिश की बोरी से, वो नहीं रख पाया। कौन सी गैस एजेंसी से आता है सिलेंडर, ब्लैक में लेता है या क्या है? अच्छा, तो भारत सरकार का नियम है कि जो दुकान और जो दुकान भी रहती है जहाँ उपयोग लिया जाता है, घरेलू सिलेंडर उपयोग नहीं लिया जाता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है घरेलू सिलेंडर है, क्या कहना चाहेगा इस बारे में? नहीं, वो तो गैस का है, वो बड़ा ही था, वो बड़ा भर नहीं पाया था। तो ये सिलेंडर लिया जब लीकेज चेक नहीं किया वहाँ पे? नहीं, अभी लगाया था मैंने, जब एकदम मैंने पहले चेक कर लिया, फिर वो एकदम आग उसने पकड़ ली, मैंने लगाना चाहा बोरी बोरी पानी से भी। किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी थी? नहीं अभी तो। अभी एक मामला बड़ी घटना होने की संभावना है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं क्या कहना चाहूँगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा तो नुकसान और हो गया। क्या नाम था? राहुल। पिताजी का क्या नाम है? तारा सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? पारस। यहाँ पर क्या घटना हुई थी? अभी घटना ये हुई थी, अभी नया सिलेंडर बड़ा वाला लेके आया था, आग लग गई थी उसके अंदर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या कारण रहा आग लगने का? इसने बताया नहीं किसी को, ये लगा रहा था ये। उसके द्वारा बताया गया कि लीकेज सिलेंडर था। हाँ शायद। तो यहाँ पे जो दुकान के अंदर तीन सिलेंडर पाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कहना क्या चाहेंगे, तीन तीन सिलेंडर ढकेल पे रखे, ये अच्छा थोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे कोई बड़ी घटना होने की आशंका? बिल्कुल पूरी पूरी। क्या इसमें आप मानते हो कि प्रशासन की लापरवाही चल रही है? प्रशासन की तो बिल्कुल बराबर में ये क्या करें। अच्छा, तो ये सीओ ऑफिस के पास में है या कौन सी जगह थी अभी? ये सीओ ऑफिस बस स्टैंड पे, ये एक ततराया हो क्या जाता है इसको। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी ने आग बुझाने की कोशिश की या नहीं की? आए थे, जिप्सी आई थी तो पानी उठ रही उनकी पूरी। अच्छा, तो आग किस किस ने बुझाई थी, कोई घरेलू आइटम या कैसा? ये समर सेविल, ये जल निगम की तरफ से आरओ प्लांट है, समर सेविल चला के इसकी आग बुझाई गई और कुछ स्थानीय लोगों ने सेवा इसकी थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.